मनोज जी, ये जो पूरा मामला जो खुलासा हुआ है उसमें एक सबसे मुख्य बात यह निकल के आती है कि राजू लंबू और इसके साथ अमृत प्रजापति, शेखर कौशिक, कई सारे ऐसे नाम हैं जो एक साथ जुड़े हुए थे और ये सब के सब जो है वो मिलकर ये कोशिश करने में लगे रहते हैं कि कैसे भी करके बापू जी के नाम को खराब किया जाए। इन लोगों की साजिश जो है उसका आज पर्दाफाश हुआ है कि किस तरीके से इन लोगों ने जो है वो अघोरी को यहाँ पर टीवी चैनल के माध्यम से जो है पेश किया था पैसा देकर, साथ साथ एक अखबार का नाम दिया है जिसका नाम संदेश है, उसका भी इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। तो कहीं ना कहीं ये खुलासा इस बात को प्रूफ करता है कि इन लोगों की मिली भगत है जिसके जरिए जो है वो बापूजी को बदनाम किया जा रहा है। वरुण, आप की अगर बात हुई हो, दुर्गा बहन भी वहां मौजूद थी क्या, अगर आपकी उनसे बात हुई है जो विक्रम भाई के साथ मिलकर जिन्होंने ये सीडी बनाई और अपने जान को जोखिम में डाल के ये सारा एक्सपोजे किया, जिसके तहत कम से कम हम और आप टेलीविजन स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये राजू लंबू नाम का शख्स सब चीजें एडमिट कर रहा है कैमरे के सामने, इसके बारे आपकी अगर बात हुई हो तो कुछ बताएं आप। देखिए, दोनों जो है उन्होंने बहुत ही, कहा जाए, सराहनीय और बहुत ही साहसिक कदम उठाया इस तरीके का, क्योंकि काफी सारी जो है वो इसमें दिक्कतें उन लोगों को सामने आई। कई बार जो है वो दुर्गा के सामने ऐसी पोजीशन भी आ गई थी जिसमें उसे लगा कि शायद अब उसका राज जो है वो खुल जाएगा, लेकिन दोनों ने बहुत ही साहसिक तरीके से जो है इस पूरे काम को अंजाम दिया। बापू जी के आशीर्वाद इनके साथ था, इसलिए दिक्कतें जो है वो कहा जाए तो वो इतनी आशीर्वाद के तौर पर इनके साथ था, तो इसलिए दिक्कतें इनके सामने इतनी नहीं आई, लेकिन दोनों ने साहसिक तौर पर पूरे मामले का खुलासा किया, सच सामने लाया और जो सच सबके सामने है उसे देखकर शायद सबकी आंखें भी खुली रह गई कि किस तरीके से इन लोगों का नेटवर्क है, किस तरीके से जाल बिछा कर, किस तरीके से ये लोग जो है वो एक साथ एकजुट होकर मिलकर जो है वो बापू जी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। तो दोनों ने एक साहसिक कदम उठाया मनोज जी, और दोनों की जो है वो इस मामले में अगर कहा जाए तो एक सराहना की जाएगी कि बापू जी के नाम को बचाने के लिए जो उनके लोग बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं उसको इस सीडी के जरिए आज उन्होंने दिखा दिया कि ये सब जो है वो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश है। मनोज जी, वरुण, इन दोनों से अगर आपकी बात हुई जो उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ दिखाई दे रही थी, कहीं आपको लगा कि अब चूंकि जिस तरीके से इन्होंने एक्सपोज किया है इनको खतरा, जाहिर सी बात है जो शख्स साजिश कर रहा है वो इनके पीछे पड़ सकता है, इनसे अगर आपकी बात हुई तो अब ये क्या करना चाहते हैं, इनके क्या इरादे हैं और किस तरीके से और कितना अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इस विषय में कुछ आप बताएं। देखिए, जिस तरीके से हम लोगों की बात हुई, हमने कहा कि राजू लंबू जो है वो अपने आप में जो है वो क्रिमिनल माइंडेड व्यक्ति है, साथ में इन लोगों की बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, जिस प्रकार से उनने सीडी में खुलासे किए हैं कि वो हर जगह अपने जो है वो पावर रखता है, हर तरीके से वो इस्तेमाल कर सकता है अगर वो चाहे, तो निश्चित तौर पर अब इन लोगों के थोड़ा बहुत खतरा तो बनना है ही, क्योंकि राजू लंबू के अब जो जिस प्रकार से जो आज सीडी का खुलासा हुआ है उसके बाद जो है उसके कानों तक ये खबर जाएगी और उसे सच जो इन लोगों सामने लाने की कोशिश की है उसका पर्दाफाश किया है, तो निश्चित तौर पे अब वो दुश्मनी जो है वो निभाने की कोशिश करेगा। लेकिन इन लोगों के दिमाग में इस बात का जरा भी भय नहीं था कि इन लोगों की जो है वो सीधे तौर पर राजू लंबू से या फिर अमृत प्रजापति से और जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनसे दुश्मनी हुई है। इनका दिल में ये सिर्फ था कि इन्होंने सच को सामने लाने की कोशिश की है, बापूजी का जो आशीर्वाद था वो इनके साथ है और इनका कहना था कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है कि जब तक बापूजी का आशीर्वाद हमारे साथ है, उनका सहयोग हमारे साथ है, तब तक हम लोग किसी प्रकार से नहीं डरते, क्योंकि हमने केवल एक अच्छाई करी है, हमने केवल सच को सामने लाने की कोशिश की है। वरुण, वरुण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से ये सारी चीज़ें आई हैं, देखने को मिली हैं और जिस तरीके से हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि इनको अपनी जान की फिक्र नहीं है, ये चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ें सामने आए और जो सबसे बड़ी साजिश रची गई है वो सामने निकल कर आए। फिलहाल परम पूज्य आसाराम बापू की अमृतवाणी को सुनकर करोड़ों करोड़ों लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है, शांति और सुख की चाह के लिए लाखों श्रद्धालु धर्म आध्यात्म का सहारा लेकर बापूजी के प्रवचन से लाभ उठा रहे हैं, ईश्वर की भक्ति से ओतप्रोत बापूजी की मधुर वाणी को सुनकर ना जाने कितने लोगों को जीवन जीने की प्रेरणा मिल रही है। निश्चित ही संत ही मार्ग से भटके हुए समाज को दिशा निर्देश देते हैं, बुराइयों को खत्म करते हैं, एकता अखंडता प्रेम और सच्चरित्रता के साथ उदार भक्ति की प्रेरणा देते हैं। बापूजी हमेशा लोगों के कल्याण के लिए प्रयासरत रहे हैं, उनके सदित में अनेकों समाज कल्याण के काम चल रहे हैं, जरूरतमंदों की उन्होंने हमेशा मदद की है, लेकिन हमेशा ऐसा हुआ है कि इस नेकी की राह पर चलने वालों को कष्ट का सामना करना पड़ा है, लोगों के लिए
ईश्वर तुल्य बापूजी के दिल को बार बार आघात लगे। कुछ अराजक तत्वों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं सच्चाई को आंच नहीं आती। बापूजी का प्रभाव भक्तों पर बढ़ता ही जा रहा है। जो अराजक तत्व है उनकी करनी भी सामने आ गई है। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू आज देश विदेश के अनगिनत श्रद्धालुओं के पथ प्रदर्शक हैं। उनके आध्यात्मिक ज्ञान की गंगा में असंख्य लोग डुबकी लगा रहे हैं। बापूजी के सानिध्य में निरंतर समाज कल्याण के अनेकों कार्यों द्वारा असहाय, गरीब, निरक्षर और अपाहिज लोगों का उद्धार हो रहा है। की मधुर अमृत वाणी चारों ओर प्रवाहित हो रही है और भटके हुए समाज को श्रेष्ठ गति प्राप्त हो रही है। हालांकि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उन पर प्रहार होते रहे हैं, लेकिन उनके श्रद्धालुओं को यकीन है कि बापूजी उन्हें भी क्षमा कर देंगे जो इन प्रहारों के पीछे हैं। तो देखा आपने किस तरीके से साजिश का पर्दाफाश करने की कोशिश की गई है और ये सच जानने की कोशिश की गई कि असल में आसाराम बापूजी के खिलाफ ये जो षड्यंत्र रचा गया और ये जो शख्स राजू लंबू नाम का शख्स जिसने ये षड्यंत्र को अंजाम दिया, ये आखिर कौन है और किस तरीके से इसने किया और इसके पीछे और कितने लोगों का हाथ है। फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए ए टू जेड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज और मैं हूं पल्लवी त्यागी। हम आपको बताने जा रहे हैं देश में रचे एक षड्यंत्र के बारे में, वो साजिश जो देश के सबसे बड़े संतों में शुमार आसाराम बापूजी के खिलाफ रची गई। संत को बदनाम करने के लिए रचे गए इस षड्यंत्र की परत हम एक एक करके खोलेंगे। बापू के आश्रमों से 20 साल तक जुड़े रहे उनके एक ट्रस्टी राजू लंबू ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। इस पूरी साजिश में उसने एफिडेविट, पुलिस और मीडिया का इस्तेमाल बखूबी किया। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से साजिश रची गई, कैसे बापूजी को बदनाम करने की एक मुहिम चलाई गई। सबका कल्याण करने वाले बापूजी ने अब तक करोड़ों लोगों को सहारा दिया है, दीन दुखियों को गले लगाया। उनकी उस ख्याति को कुछ धर्म विरोधी लोग पचा नहीं पाए और बापूजी के खिलाफ साजिश रच डाली, लेकिन बापूजी का उससे कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन उन साजिश रचने वालों की कलह जरूर खुल गई। महाराज नहीं आए। बताने नहीं और हम नहीं चाहते किसी को बताए।